चैनल यूपी ब्लॉगर शिवा। सो फ्रेंड कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग हमने कर लिया है शुरू, और जैसे आपको पता है मैं हूँ अपने मायके में, तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और आज ना संडे है, संडे का ब्लॉग है ये, फुल ऑन मस्ती वाला ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखो सब लोग रेडी हैं, ये देखो सब लोग निकल रहे हैं। और आज हम मून को भी थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ आराम करने के लिए आए थे, लेकिन घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी बस निकल रहे हैं, और आज ये देखो मैंने पहनी है जीन्स। आज आपको ना मेरा लुक बिल्कुल हटके मिलेगा, और बिल्कुल नई शिवा देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट टाइम मैं अपने ब्लॉग में आज जीन्स पहन रही हूँ। तो यहाँ मैं पहन लेती हूँ, मायके में जब आती हूँ ना तो यहाँ पहन लेती हूँ, मैं ससुराल में नहीं पहनती हूँ। मतलब तो वही वाली बात है ना, जैसा भेस वैसा देश। नहीं नहीं उल्टा बोल दिया, जैसा देश वैसा भेस, क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे पता नहीं। तो अभी देखो सब लोग निकल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। और चल रहे हैं, दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या आज मस्ती करने वाले हैं। संडे का फुल मस्ती वाला व्लॉग आपको देखने के मिलेगा, तो चलो बने रहो और कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो ठीक है, निकल लेते हैं। चलो मून देखो, मून भी रेडी है, और मून ने मम्मा ने सेम कपड़े पहने हैं, और उसकी मौसी ने भी सेम ही पहने हैं, सबने मिले जूते पहने हैं। चले कहाँ जा रहे हो आप? मॉल। कहाँ जा रहे हो मून आप? मॉल। और क्या करने वाले हैं आज हम? ट्रेन में घूमते हैं। मून ट्रेन में घूमेगा, और क्या करना है? मूवी देखनी है। मून जीप चलाएगा, ट्रेन में भी बैठेगा और मूवी भी देखेगा, है ना। तो चलो फाइनली हम लोग अब घर से निकल रहे हैं। वाला चश्मा कहाँ है? उसके पास है तानिया के पास। कोई कह रही इसके पास ही कोई चश्मा? नहीं नहीं घर में आओ, है बैग में। कैफे के पास है, है घर में लॉक लगा के जा रहे हैं आज हम। चले मून बेटा आओ जल्दी, मनु चलो जल्दी आओ, नहीं बजाओ जल्दी, चलो मम्मी चलो ना। नहीं ऐसे ठीक है, मुझे ऐसे चलो 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 चलो, मैं हाथ दे दूंगी भाभी, बाहर निकल के लॉक तो करो। चल भाई मेकअप भी खत्म नहीं हो रहे हैं, और 1:30 बजे का हमारा शो है, और 12:30 बज गए, और 1 घंटा में जाने में लग जाएगा। जल्दी आओ, चलो लाइट बंद कर दो, आओ चलो। नीचे से गैस भी बंद कर देता, हाय रे धूप बड़ी तेज हो रही है। सारे जाने तो चलो पहुंच के बंद कर दिया। हाँ सब कर दिया भाई, नीचे से भी कर दियो। अच्छा लगा देना नीचे से भाई, फिर भी एक लगा दे, फिर लगा देना। तो चाबी आंटी को दे दे, हाँ आंटी को दे दे। तो चलो भी पहुँच के फिर बात करते हैं आपसे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, और हम लोगों ने ना 2 कैब बुक करी थी, जिसमें से एक कैब हमारी कैंसिल हो गई थी संडे की वजह से। संडे में ना बहुत मुश्किल हो जाता है मतलब कैब वगैरह मिलने में, और जो एक कैब थी उसमें सारे बच्चों को भेज दिया है, और मैंने मून को भी उनके साथ में ही भेज दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर। थोड़ा ना कैब वैब से थोड़ी आसानी हो जाती है आने जाने में। तो अभी हम लोग ना ऑटो से जाएँगे, मैं शबाना बाजी मम्मी और मेरी छोटी बहन जो है मोना। तो चलिए पहुँच के मिलते हैं। अभी हम सब पहुंच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से ये मॉल, और काफ़ी बड़ा ये मॉल है, ये गाज़ियाबाद का ओपुलेंट मॉल है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हमने सोचा चले यहीं पे चल के मूवी देखते हैं, और बहुत टाइम हो गया था मायके वाली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए हुए, मतलब इन्जॉय किए हुए। तो इस बहाने हमें थोड़ा सा मतलब साथ में टाइम बिताने का भी मौका मिलेगा, और जो ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइज़, और जब मैं इनको बाद में देखूँगी ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, और फैमिली तो फैमिली ही होती है ना। मॉल पहुँच चुके हैं, और ये आए हैं हम ओपुलेंट मॉल। तो अभी अंदर चल रहे हैं, फिलहाल बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो अंदर चल रहे हैं, अभी एंट्री कर रहे हैं। ये देखो
तो अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं, ठीक है, और अंदर चल के फिर बात करती हूँ आपसे। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आज भीड़ थी, क्योंकि आज संडे भी था, सभी लोग अपने बच्चों को लेकर के आए थे, और वैसे भी वीकेंड होता है तो वीकेंड पे सब मूवी वगैरह देखने के लिए मतलब आ ही जाते हैं, और जब नई मूवी लगती है तो सभी मतलब देखना पसंद भी करते हैं। तो और वैसे भी ना एक दिन मिलता है छुट्टी का, तो भाई की भी आज छुट्टी थी ऑफिस से, तो फिर भाई बोलने लगा चलो चलते हैं और पूरी फैमिली साथ में चलेंगे। तो यहाँ पर देखो मून को ना अपनी मतलब की चीज़ें नज़र आ गई हैं, और देखो पीछे पीछे चल दिया है कि मुझे गाड़ी चलानी है, तो वो तो बस इन्हीं चीज़ों का दीवाना है। और सामने से उसको ट्रेन भी नज़र आ गई, और घर से बोल के भी आया था कि मुझे ट्रेन में बैठना है, तो बस उसने ज़िद पकड़ के रख लिया कि मुझे ट्रेन में भी बैठना है और गाड़ी भी चलानी है। तो बस अभी उसको हम ट्रेन वगैरह में बिठाएंगे, और हम उसको ना लेकर के इसलिए ही आए थे क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब घुमाना भी था, और वैसे भी ना बच्चे घर में मतलब रह कर ना बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा बच्चों को भी फ्रीडम चाहिए और थोड़ा सा बाहर का भी मतलब बच्चों को घुमाना फिराना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपनी थोड़ी सी पिक विक ले रहे थे और रील्स बना रहे थे, क्योंकि जब मैं ससुराल वापस चली जाऊँगी ना, और जब मैं इन पिक या रील्स वगैरह अपनी देखूँगी ना, तो सच्ची में मुझे बड़ी याद आने वाली है यहाँ की। और बहुत अच्छा लग रहा था आज पूरी फैमिली के साथ मतलब बाहर आके, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं ना गाइस, सच में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब बेटियों की शादी हो जाती है ना, तो मायके की हर एक जो चीज़ होती है ना, मतलब ऐसा लगता है कि जब हम उनको देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आज भी हम मतलब अपने मायके वालों के इतने ही करीब हैं। और यहाँ पर देखो मून गाड़ी चला रहा है, और मम्मी तो उसको देख देख के खुश हो रही थी, मम्मी का बस नहीं चल रहा था कि मून के साथ गाड़ी में ही बैठ जाएं। तो बस यहाँ पर देखिए सारे में वो खुद से चला रहा है, क्योंकि उसके पास है ना तो वो अच्छे से चला लेता है। और गाड़ी में बैठने के बाद ये बैठ गया है अभी ट्रेन में, तो इसको अभी हम पहले ट्रेन की राइडिंग करा देते हैं। तो आप लोग भी वीडियो को एंजॉय ज़रूर करें। मून यहाँ पर ट्रेन की राइड एक बार ले चुका है, और उसको ना ज़िद थी कि मैं दोबारा भी ट्रेन में ही बैठूंगा, लेकिन फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, वो खुद से उतर गया और गाड़ी में जाके बैठ गया। तो यहाँ पर देखिए ये फुट स्पा मतलब यहाँ पर होता है, और उसका स्टॉल था। तो यहाँ पर फ़िश बहुत ही सुंदर लग रही थी, और मून ना इनको बार बार देखे जा रहा था, तो मैंने इनको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, और काफ़ी सुंदर सी ये फ़िश लग रही थी, बहुत छोटी छोटी सी फ़िश थी मतलब। तो उसको यहाँ से ज़बरदस्ती भाई लेके गया है, क्योंकि वो ना यहाँ से हटने का ही नाम नहीं ले रहा था। और अभी हमें चलना था ऊपर, क्योंकि हमारी मूवी का टाइम होने वाला था, और ये लोग सब यहाँ अपनी फ़ोटो वोटो ले रहे थे, अपनी रील्स वगैरह बना रहे थे। तो काफ़ी कुछ था यहाँ गाइज, मॉल में काफ़ी बड़े बड़े शोरूम थे, और मैं शादी से पहले यहाँ पर बहुत आती थी, लेकिन शादी के बाद मैं मतलब अभी आई हूँ, और काफ़ी कुछ यहाँ पर अभी चेंज हो चुका है। और अभी ना हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैंने इसको दो भागों में बांट दिया है, और इससे आगे का पार्ट जो है गाइज़ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों ने हमारी वीडियो को एंजॉय किया कि नहीं किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने हमारी तरह भी फुल एंजॉय किया होगा, फुल मस्ती की होगी, जैसे हम अपनी पूरी फैमिली के साथ में मतलब एंजॉय कर रहे हैं। और तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।